हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज रात हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेज़ों पे चढ़ के आ रही है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है, और आज उसकी बारात नेज़ों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया, खुफियों ने कफन नहीं दिया तो तस्फी अलैहर रिया, हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी के कफन पहना दिए। मेरे नबी ने खुशखबरी दी कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, और अली का दर्जा हसन हुसैन से भी ऊंचा है। ये मेरे नबी ने ज़िंदगी में खबरें दी। फिर हुसैन को जान देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों अपनी जान का नजराना पेश किया? किस बेदर्दी से उन्हें ज़बह किया गया? और कौन ज़बह करने वाले जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और इतनी अजीम हस्ती। एक दफ़ा आपने हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया कि मेरे पास एक फरिश्ता आ रहा है अल्लाह से इजाज़त लेकर, और मिलने जो पहले कभी नहीं आया, तो कोई अंदर ना आए। तो उम्मे सलमा पहरे पे खड़ी हो गई। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया, रोका तो वो रोने लगे, रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से रोने की आवाज़ आई, छोड़ छोड़ छोड़, रोने की आवाज़ आई। तो जब वो भाग के अंदर गई तो आपने हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे सीने के साथ ऐसे चिमटाया हुआ था, और इस तरह पूरी पूरा वजूद आपका धड़ धड़ कर रहा था, और आप ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, हिचकियों के साथ रो रहे थे। उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान क्या हुआ? आपने कहा ये जो फरिश्ता मिलने आया है, इसने हुसैन को देखा है तो उसने मुझे बताया है कि आपके इस बच्चे को आपकी उम्मत ज़बह कर देगी, और जिस मिट्टी में इसका खून गिरेगा, उसने यूं हाथ में मिट्टी ला के दिखाई, इसमें आपका खून गिरेगा। और आपने वो मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा को दी, और जिस दिन आप शहीद हुए 61 हिजरी जुमे के दिन, तो हज़रत उम्मे सलमा सोई हुई थी, तो असर के करीब सोई हुई थी, तो ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी हैं और आपका रंग उड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसू हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह खैर तो है, क्या हुआ? कहा, हुसैन को शहीद होते देख के आ रहा हूँ। तो उनकी आंख खुली, उन्होंने मिट्टी को उठा के देखा, जो बोतल में थी वो सुर्ख हो चुकी थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी के हाथ में बड़ी बोतल है, ज़मीन से खून उठा उठा के उसमें डाल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, या रसूल आप क्या कर रहे हैं? कहा, ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं जमा कर रहा हूँ, क़यामत के दिन इनकी वकालत मैं करूँगा अल्लाह के दरबार में, उन ज़ालिमों के खिलाफ मैं हुसैन और उनके साथियों की वकालत करूँगा। ये सबसे ऊंचा घराना, और वो अल्लाह के नाम पर 72 आदमी सामने 5,000 का लश्कर, जान बचाने के लिए कलमा कुफर भी जायज़, लेकिन एक वक्त आता है कि जान देना जान बचाने से ज़्यादा महबूब बन जाता है। तो आपने उनसे कहा कि मुझे आज रात की मोहलत दे दो। जुमेरात का दिन था,
तो उन्होंने समझा शायद ये कल सुलह की बात करेगा। जब शाम हुई तो असर हुई तो आप खैमे के बाहर बैठे थे तो आपको नींद आ गई, आँख खुली तो आप हंसने लगे। तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा, भाई ये कोई हंसने का वक्त है? तलवारें सर पे चमक रही हैं। कहने लगे, बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं और कह रहे हैं बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका। जिनको लेने के लिए नबी आए, क्या प्रोटोकॉल है? अब लोगों ये अफसरों के लिए प्रोटोकॉल नहीं लगता? क्या प्रोटोकॉल लगा है कि मेरा नबी फरिश्तों के साथ सहाबा के साथ आके हुसैन का इस्तकबाल कर रहा है? तो आपने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया रात को, कहा देखो उन्हें सिर्फ मेरी जान मतलूब है, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हें नहीं, तुम तो मेरी तुफैल में मारे जाओगे। तो ऐसा है मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम रात के अंधेरे में सब निकल जाओ, मैं अकेला अपने अल्लाह के पास हाज़िर हो जाऊँगा। तो सब ने कहा कि हमारा जीना भी आले रसूल के साथ है और मरना भी आले रसूल के साथ, तेरे बगैर हमारी भी कोई ज़िंदगी नहीं। सईद बिन अब्दुल्ला एक नौजवान थे, वो खड़े होकर कहने लगे, ऐ हुसैन मेरी एक जान है जो एक वार में ख़त्म हो जाएगी, काश मेरे पास 100 जानें होती और मैं हर जान तेरे ऊपर कुर्बान करता चला जाता, करता चला जाता, करता चला जाता, भला हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे? तो वो रात सब ने जागते गुजारी और नफलों में, दुआओं में, रोने धोने में। सुबह आपने अपने लश्कर को तरतीब दिया, 72 लोग थे, 42 घोड़सवार थे और 30 पैदल थे। तो आपने राइट साइड का झंडा दिया जहैर को और लेफ्ट का झंडा दिया हबीब को और दरमियान में झंडा दिया अपने भाई हज़रत अब्बास को, जो अब्बास अलमदार कहलाते हैं, उनको झंडा दिया। और फिर उन्होंने कहा, देखो हम अब एक उम्मत हैं, एक मिल्लत हैं, एक कलमे वाले हैं, लेकिन अगर तलवार निकल गई तो तुम मिल्लत से खारिज हो जाओगे, तुम नबी के नवासे को कत्ल कर रहे हो। मैंने कभी किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं किया, तुम किस जुर्म में मुझे कत्ल कर रहे हो? तो शिमर कहने लगा, हमने तुम्हें कत्ल करना है। तो कहने लगे, सदक अल्लाह व रसूलहु, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। साथियों ने पूछा, जी क्या कहा? कहा मेरे नबी ने कहा था, मैं एक कुत्ता देख रहा हूँ जो काला और चिट्टा है, वो मेरी औलाद का खून चाट रहा है। तो शिमर को बरस फुलबेरी हो गई थी, तो काले स्या रंग का था, तो उसके चेहरे पर काले चिट्टे दाग, बदन पे काले चिट्टे दाग। तो उन्होंने कहा, ये वो कुत्ता है जो हमारा खून पिएगा। तो जब उसने कहा हम तुम्हें कत्ल करेंगे, तो आपने आप हंस पड़े। सुबह कहने, अबिल मौत तो बेवकूफ, मुझे मौत से डराता, मुझे मौत से डराता है, मौत में तो हमारी राहत छुपी हुई है। तो एक एक करके लोग निकलने शुरू हुए, तो जो निकले कूफी कत्ल हो जाए, जो निकले वो कूफी कत्ल हो जाए। तो शिमर ने बकवास किया, मरण वास्ते आए इन साढ़े सारे मार देना है, इनको कट्ठे हमला करो इन पर और पहले इनके घोड़े कत्ल करो। तो 5,000 तीर चले और 42 घोड़ों को उन्होंने पहले निशाना बनाया, वो सारे मर गए और फिर वो सारे पैदल हो गए। और उसके बाद दूबदू एक के सामने 50 आदमी, क्या मुकाबला था, गिरते गए कटते गए। इतने में नमाज का वक्त हो गया, जुमे का ही दिन था और सूरज ढला। तो आपने देखकर जुहैर को कहा कि शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़ने, कोई है गुंजाइश नमाज छोड़ने की? शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़ने। क्या इसके बाद भी ये उम्मत कह सकती है जी भाई जी क्या करें, ड्यूटी पर था नहीं पढ़ सका, दुकान पे रश बहुत था नहीं पढ़ सका, वो जी बस साथियों में बैठे गप्पे मार रहे थे नहीं पढ़ सका, गुजाइश है? तो आपने शिमर को पैगाम भेजा नमाज पढ़ने, तो उसने कहा हम तुम्हें कत्ल करेंगे नमाज में ही। आपने कहा फिर चलो आओ इधर आ, सितमगर
हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। अमन का आधे नमाज पढ़ो, आधे इनसे जंग करो। तो ये कैसी नमाज है कि तीरों की सनसनाहट है, तलवारों की झंकार है, नेज़ों की खड़खड़ाहट है और बदन खून से तर बतर हैं। अपने खून से वजू किए या करबला की मट्टी से उन्होंने तयम्मुम किया, जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा होगा तो ज़मीन आसमान में क्या हलचल मची होगी। जब सजदे में सर रखा होगा तो तहत सरा तक ज़मीन की क्या चीखें बुलंद हुई होंगी और फरिश्तों की क्या आहो बुका हुई होगी कि 1443 हिजरी जा रही है, अब 44 आ जाएगी कल। 1443 साल में ऐसी नमाज नहीं पढ़ी गई। करबला क्या कहता है कि अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अमर कर दे। हुसैन आज भी जिंदा है, और यजीद का नामो निशान मिट गया, इब्ने ज़ियाद का नामो निशान मिट गया, शिमर का नामो निशान मिट गया। आखिर करते 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 नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज के बाद फिर सीना सफर हुए, सारे साथी कुर्बान हो गए, अहले बैत बच गए 16। तो आपके बेटे अली अकबर ने कहा, अब्बा जान मैं आपको मरता नहीं देख सकता, आप मुझे पहले मरने दें, मैं आपसे पहले जाना चाहता। तो आपने बेटे को रवाना किया, वो तलवारों के नगमे में आए और सर धड़ से जुदा हो गया। फिर हज़रत हसन के बेटे अब्दुल्ला आए, कहने गए चाचा मैं भी तुझे मरता नहीं देख सकता, मुझे इजाज़त दे मैं जाऊँ। ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है, ये बकरा नहीं ज़बह हो रहा, ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है। तुम पुलिस वालों को, तुम ताजरों को, तुम ज़मींदारों को, तुम सियासतदानों को, तुम कारोबारियों को, तुम ब्यूरोक्रेसी को, तुम फौज को वो पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह को राज़ी करने में हर सौदा मंजूर है। तो फिर क्या होगा, हुसैन की तरह नाम जिंदा रहेगा और दुनिया के सौदे करने वालों का यजीद की तरह नाम मिट जाएगा। आज उस बदबख्त की कब्र का भी निशान कोई नहीं, और हुसैन की कब्र पे सारा सार मेला लगा रहता है और ज़ायरीन का एक रश होता है, लोग पैदल जाते हैं मज़ार शरीफ पर। तो अब्दुल्ला को तलवार पड़ी कंधे पर तो बाजू कट गया, तो उनकी चीख निकली, या अम्मा, हाय चचा, क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल पर, या अम्मा, हाय मेरे चचा। तो पीछे थे तो जख्मी थे, लेकिन वो शेर की तरह आए धाड़ते हुए और सफ़ों को चीरा और अब्दुल्ला तक पहुँचे तो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे, आखिरी सांस थे। तो आपने कहा, भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस, आज तेरा चचा बड़ा बेबस, मैं तेरी मदद को नहीं पहुंच सकता। क्या हाल होगा इनका जब ये अल्लाह के नबी के सामने पेश होंगे। फिर आपने उनकी मैयत को उठाया, पीछे जा के रखा। फिर अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटे ओन और मोहम्मद शहीद, फिर मुस्लिम बिन नकील के बेटे अब्दुर्रहमान और जाफर और अब्दुल्ला शहीद, हसन के बेटे अब्दुल्ला के बाद अबू बकर शहीद हुए, फिर आपके अपने भाई उस्मान, जाफर, मोहम्मद, अब्दुल्ला, अबू बकर, पांच भाई हजरत फातिमा की नस्ल से दूसरी बीवियों से वो शहीद हुए, अब्बास, और छठे आप शहीद। जब आप आखिरी रह गए तो आपके बेटे थे अब्दुल्ला 2 साल के, आपने कहा अब्दुल्ला को भेज, उसको एक दफ़ा प्यार कर लो, 2 बरस का बच्चा, हमने उसको सीने से लगा, उसको प्यार किया और उसको झोली में बिठा कर उसको ऐसे देख रहे थे कि कूफी लश्कर से इब्न मुवक्किल एक सिपाही था, उसने निशाना लगा कर जो तीर चलाया, तीर ख़ता भी हो सकता था लेकिन वो यहाँ आके लगा, या और गर्दन के पार हो गया और अब्दुल्ला की चीख भी ना निकल सकी,
और यूं गर्दन ढलक गई, यहाँ मेरे नबी के नवासे का पैमाना लबरेज हो। आपने दोनों हाथ करके अब्दुल्ला का खून ऐसे अपनी लब में भर लिया और फिर उसको यूं आसमान की तरफ उठाकर कहा, तू राजी है तो मैं भी राजी, तू राजी है तो मैं भी। इनसे बदला जरूर लेना। इसके बाद कोई मुसलमान कह सकता है कि मैं औलाद हूं कि तू कमाऊं, हेरा फेरी ना करा, झूठ ना बोला, रिश्वत ना लवा। मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊं, बच्चे तुम्हारी कब्र में जाएंगे, बीवी तुम्हारी कब्र में जाएगी, अकेली जान है, अकेले जान। आपने उस मासूम को लिटाया और फिर खड़े हो गए। अब असर का वक्त आ गया था और आप डोल रहे थे जख्म की वजह से। जिस हस्ती के एक एक जिस्म के हिस्से को नबी ने चूमा हो, आज वही जिस्म तीरों से छलने थे और जख्मों से चूर थे। आप ऐसे ऐसे डोल रहे थे और लड़ रहे थे तो शिमर ने कहा, आगे बढ़ो और इसका सर उड़ा दो। तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था तो शिमर ने फिर उनको गालियां दी। तो जुरा बिन शरीक तमीमी वो आगे बढ़ा, उसने आपके नेजा मारा, यहां यहां नेजा लगा, पार हो गया। तो आप ऐसे लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। तो शिमर ने कहा, सर काट दो। तो सनान बिन अभी अनस आगे बढ़ा सर काटने के लिए तो उसके हाथ कांपने लगे, पीछे हट गए। तो खौला बिन यजीद ने उनको उसको गालियां निकाली और आगे बढ़कर खंजर निकाला, सर काट जिस गर्दन के बोसे मेरे नबी ने लिए उसको यूं सीने से लगाया था, उसका सर काट था। फिर 72 के सर काट थे, 2 साल के अब्दुल्ला का सर भी काट दी और नेजों पे चढ़ा दी और लाश पे घोड़े दौड़ा दी। तो जब आप आम मुसलमान हैं, आम लोग हैं, हमारी राजपूत फैमिली है, हम अपनी औरतों को पर्दों में लेके चलते हैं, गैर महरम से बचाते हैं। मेरे नबी की बेटियों को खुला खुला कूफियों ने घसीट और मेरा रब देख रहा, मेरे नबी की औलाद पैगाम दे रही है कि अल्लाह से गद्दारी ना करना, चंद टकों पर, चंद दिन की जिंदगी पर अल्लाह से गद्दारी ना करना। तो जब हजरत जैनब ने ऐसे देखा सर नेजों पर लाशें कटी हुई तो उन्होंने एक मरसिया पढ़ा, वाह मोहम्मद वाह मोहम्मद सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस हाजा हुसैन बिल वरा मुजम्मल मुकत्तल वादा वा मोहम्मद वा मोहम्मद बना तो का सवाया व ज़ुर्रियतों का मुकद्दला तस्फी अलैहर रियाह। हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज रात हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेजों पे चढ़ के आ रही है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है और आज उसकी बारात नेजों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया,
کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاح, ہوا کو غیرت آئی, اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیے. مجھ سے اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں ہوتی, میرے جذبات میرے قابو سے باہر چلے جاتے. ایک تو اس قصے کا درد مجھے رلاتا ہے, ایک اپنے مسلمانوں کا درد رلاتا ہے کہ جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو وہ امت کیا کر رہا, چند پیسوں پہ ایمان بیچ رہے, چند ٹکوں پہ ایمان بیچ رہے. تو بھائیو, نیا سال آ رہا ہے, ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ, اور آج ہم اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد تیری مانوں گا, تیرے محبوب کی مانوں گا, اور جو قربانی آئی میں اسے برداشت کروں.